फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल द मल्टी टास्क का मोनिका। आज फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, भुट्टे के कुरकुरे गर्म गर्म पकौड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक भुट्टा लेंगे, उसे अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे और बाकी दो भुट्टों के हम उसमें से दाने अलग कर लेंगे। अब सेपरेट करने के बाद ये जो घिसा हुआ भुट्टा रखा है, हम इसमें जितने भी जो दाने निकाले हैं हम इसमें ऐड कर लेंगे। इससे होता क्या है, एक अच्छा सा क्रंच आता है पकौड़ों में और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले एक चम्मच नमक डालेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आप लोग तीखा खाते हैं तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा एक चुटकी हींग डालेंगे। अब इसके बाद इसमें मैं थोड़ी सी आधा चम्मच अजवाइन डालूँगी। थोड़ा आप इसे मसल कर डालिए, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और डाइजेशन भी अच्छा होता है। अब इसमें एक चम्मच मैं सौंफ डालूँगी, वो भी मसल कर डालिएगा, इससे फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसके बाद मैं इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डालूंगी, एक छोटी शिमला मिर्च काट कर डालूंगी इसमें, और इसमें दो से तीन मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। अगले आप लोग तीखा कम खाते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। दो से चार लहसुन की कलियां घिस कर डाली हैं मैंने इसमें। अब इन्हें अच्छे से पानी डालकर एक अच्छा बैटर तैयार कर लेंगे हम। इन्हें अच्छे से मिक्स करके हमें थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट करने रखना है। अब ये 20 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए इसे छोड़ देंगे। अब 20 मिनट बाद मैं इसको फिर से चेक करती हूँ। अभी ये देखिए बैटर हमारा मसालों को सोक कर चुका है और अच्छे से गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसमें फिर से थोड़ा सा पानी और डालेंगे और कंसिस्टेंसी को ठीक कर लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। इसे हमें अच्छे से फेंटना होगा जिससे कि जो हमारे पकौड़े हैं वो अच्छे से फ्लफ़ी पकौड़े बनेंगे। तो इन्हें अच्छे से हम चलाकर मिक्स कर लेते हैं। मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ जिससे कि इसमें एयर अच्छे से सर्कुलेट हो जाए। अब हम पकौड़ों को जल्दी जल्दी, तेल गर्म हो चुका है, उसमें डाल देते हैं। पकौड़ों को आप स्टार्टिंग में आँच को, फ्लेम को थोड़ा तेज़ रखिएगा, हाई फ्लेम पर, और जब पकौड़े आप सारे छोड़ दें उसमें तो फिर उसके बाद आप लो टू मीडियम फ्लेम पर पकौड़ों को सेकते रहिएगा। पकौड़े एक तरफ से अच्छे से सिक जाएं तभी उन्हें पलटिएगा, उससे पहले आप करछी मत लगाइएगा। अभी देखिए एक तरफ से सिक चुके हैं अच्छे से, अब मैं इन्हें पलट दूँगी। आराम आराम से पलटिएगा और पलटने के बाद इन्हें फिर दूसरी तरफ से भी 1 से 1.5 मिनट के लिए आराम से सिकने दीजिएगा धीमी आंच पर। इससे पकौड़े के अंदर तक सिक जाएंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे। अब ये देखिए पकौड़े हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, कितना सुंदर कलर लग रहा है। अब इसे थोड़ा सा मैं और सेकूँगी और फिर उसके बाद मैं इन्हें निकालूँगी। देखिए मैंने पलट पलट के सेक रही हूँ जिससे कि दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएँ। अब मैंने पकौड़ों को बाहर निकालूँगी। देखिए कलर कितना सुंदर आया पकौड़ों का, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर। अब इन्हें निकालने के बाद मैं सर्व करूँगी चटनी के साथ। ये देखिए हरी चटनी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आप भी चटनी की रेसिपी जानना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं शेयर करूँगी आपके साथ।